पीपल एंड हिस्ट्री के लेटेस्ट बायोग्राफी अलर्ट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यह कहानी है एक बड़े ही दमदार अभिनेता की, जिसने जो भी काम किया उसमें यह अव्वल ही आया। नाम है जिनका सयाजी शिंदे। मंदिर में बैठे भगवान के पास कोनो शक्ति नहीं। मंदिर के जेवर चुराने वाले हम विधानसभा जा रहा हूँ ना, का भगवान ने हमको त्रिशूल से मारा। कुछ ही दिनों में वो औरत भी अपने बिटवा के पास चली जाएगी। इनका जन्म हुआ 13 जनवरी सन 1959 में महाराष्ट्र के सातारा जिले के नजदीक एक गांव है जिसका नाम है वेले कमाटी। ऐसा बताया जाता है कि 80 के दशक में उस गांव में बिजली आई थी और सयाजी शिंदे उसी गांव में पढ़े। उसके बाद आसपास के जिलों में जाकर इन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई करी, क्योंकि इनके गांव में कोई ऐसा स्कूल नहीं था जहां पर 7वीं कक्षा के बाद की पढ़ाई होती हो। मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं कुछ करता हूँ। ये दरअसल एक किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन डैम के पानी की वजह से इनकी जमीन भी चली गई। सयाजी शिंदे ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी करी, लेकिन उसके लिए पैसे जुगाड़े खुद नौकरी करके। ये इरिगेशन डिपार्टमेंट में बतौर वॉचमैन काम किया करते थे। 1978, 79 और 80 तक इन्होंने बतौर वॉचमैन काम किया। उसके बाद इरिगेशन डिपार्टमेंट में ये क्लर्क भी बन गए। कलेक्टर साहब, ये समस्या दोनों गांव के आपस की समस्या है, हमने ये आपस में सुलझाई है। इस बात पर भी गौर करना होगा कि सयाजी शिंदे गांव के नाटकों में काम किया करते थे। वेले कमाटी से सतारा तक का सफर तो अच्छा रहा, जीवन में उतार चढ़ाव भी रहे। इसी बीच एक जाने माने रंगकर्मी सुनील कुलकर्णी के संपर्क में ये आए, जो कि लोक रंगमंच थिएटर ग्रुप चलाया करते थे। सयाजी शिंदे ने नाटकों में काम करना शुरू किया और पता चल गया कि इस लड़के में बहुत हुनर है। फिर ये चले आए मुंबई, जहाँ पर इन्होंने कई थिएटर वर्कशॉप्स करें। 4 दिवसाचे नाटक मला सांगू नकोस, तोपर्यंत काय आम्ही हात चोळीत बसायचे का। रोहिणी हटंगडी, जयदेव हटंगडी जैसे दिग्गज रंगकर्मियों के साथ इन्होंने काम किया। भारतीय रंगमंच की बेमिसाल शख्सियत वामन केंद्रे के साथ भी इन्होंने काम किया। और रंगमंच पे काम करते करते इन्हें एक मराठी फिल्म मिली, इसका नाम रहा अबोली। इसमें इनके काम को बहुत सराहा गया और इन्हें बेस्ट एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया। ये कोई 90 के दशक के मध्य की बात है। काम फत्ते झाले पाहिजे, आता ती होणारच की जाते कुठते। लेकिन सयाजी शिंदे ने पूरी तरह से फिल्मों की तरफ अपना रुख नहीं किया, ये रंगमंच से जुड़े रहे। NCPA में अशोक नानाडे साहब के साथ ये व्यवसायिक रंगमंच करते रहे और दूसरी तरफ ये कुर्ला सहकारी बैंक में भी काम किया करते थे। इनका नाम मराठी फिल्मों में और रंगमंच पे तो हो ही रहा था कि तभी इन्हें हिंदी फिल्म मिली शूल, जिसमें इन्होंने बच्चू यादव का किरदार निभाया। उसके बाद तो सयाजी शिंदे ने कभी पलट के ना देखा। इस फिल्म के लिए इन्हें बेस्ट विलन के अवार्ड से नवाजा गया। क्या नेताजी, आपने ऐसा कर दिया, आपके टाइम टेबल में ये तो नहीं था। काल करे सो आज करे सो अब। फिर तो तमिल फिल्म रही कि हिंदी फिल्म या फिर मराठी चित्रपट, हर जगह सयाजी शिंदे का नाम खूब हुआ। जो हमारे रास्ते का काटा बनता है उसका हम नहीं छोड़ता, खत्म कर देता हूँ। आज भी इनके मराठी नाटकों को याद किया जाता है, खासतौर पे जुलवा को। एडवांस है तो लावणी बघायची एवढीच इच्छा असेल ना तर 10 रुपयाचं तिकीट काढून थिएटरला या। ए राजन प्रजातला फरक कळत नव्हे, आमच्या रंगमहालात प्रत्येकीला एकदा हजेरी लावावीच लागते। इनका जीवन बड़ा चमत्कारी है। कौन सोच सकता था कि रात को ये चौकीदार की नौकरी करके अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे, फिर वन एक्ट नाटकों में काम करेंगे और 165 रुपए प्रति माह की तनख्वाह से हटकर इन पे नाम शोहरत और पैसा बरसेगा। एक बार कुर्सी पर बैठूंगा ना, फिर उतरूंगा ना ही। सयाजी शिंदे के निजी जीवन पे रुख करें तो हमें पता चलता है कि इनका विवाह हुआ वंदना जी से, जिनसे इन्हें 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। इन्होंने कुछ मराठी फिल्में भी प्रोड्यूस करी और नवोदित कलाकारों की मदद भी। शाबाश, तू अपनी बात पर कायम रहे, मैं अपनी बात पर कायम रहूंगा। यकीनन किस्मत का खेल बड़ा निराला होता है। एक छोटे से गांव से उठाकर रंगमंच तक पहुंचना और रंगमंच से भारतीय सिनेमा की सबसे प्रसिद्ध शख्सियतों में से एक बन जाना, यही हुआ सयाजी शिंदे के साथ। ये सब हम मानता हूं। महान प्रतिभाओं के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें People and History।